उधर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता प्रिया दत्त ने पहली बार न्यूज 18 से बात की और कहा कि पार्टी के कहने पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुई है। कितना मजबूत कैंडिडेट आप अपने आप को मानती हैं यहाँ पे? जी मैं खुद कैसे कह सकती हूँ, जिस तरीके से पहले आपने मना किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब आप अचानक लगातार कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप लड़िए इलेक्शन, तो किस उस पर? देखिए मैं जब मैंने तय किया था इलेक्शन नहीं लड़ने के लिए, बहुत निजी मेरे रीजंस थे और मैंने हमेशा कहा था कि मैं परिवार के साथ, मेरे बच्चों के साथ अब वक्त गुजारना चाह रही हूँ। लेकिन जैसे माहौल है, जैसे यू नो आजकल जो हम देख रहे हैं, आज मैं अगर लड़ रही हूँ इलेक्शन में, मैं मेरे बच्चों के लिए ही लड़ रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस माहौल में, इस तरह इस माहौल में बड़े हों, और हम चाहते हैं कि एक बेहतर, एक जो हिंदुस्तान में हम बड़े हुए थे उसी तरह के एक देश में मेरे बड़े बच्चे भी बड़े हों। तो आई थिंक ये लड़ाई है विचारों की और मैं समझती हूँ हर कोई जो बदलाव चाहता है उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता आपको मनाने में लगे थे, दो तीन मीटिंग्स मैंने अटेंड करी है, उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ से कोई इतना मजबूत नाम नहीं है जितना प्रिया का नाम जाता है, तो आप मानती हैं कि पार्टी लगातार आपको ये कह रही थी कि नहीं, यू आर द राइट पर्सन जो यहाँ से कंटेस्टेंट? जी जी डेफिनेटली, यू नो पार्टी ने मुझे डेफिनेटली बहुत बार कहा कि ये मुझे लड़ना चाहिए और बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया और मैं खुश हूँ कि हमारे कार्यकर्ता और सब मेरे साथ हैं, वो यू नो एक मेरी ताकत है। पार्टी अभी भी पार्टी लगातार मजबूती से लड़ रही है, लेकिन छोटे जो दल हैं वो पार्टी से लगातार नाराज हैं। ये देखिए, ये आई थिंक जो हमारे लीडर्स हैं वो यू नो सब इक्वेशंस देख के डिसीजंस लेते हैं, उस पर ज़्यादा हम टिप्पणी भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की डिसीजंस होती हैं।